हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ अपने लग गई हूँ कामों में, और तो नाश्ता वास्ता सब हो गया है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मशीन लगाती हूँ। आज ना कपड़े भी धोने थे मुझे, कपड़े ना बहुत सारे हो रहे थे, तो मैं यहाँ कपड़े खाली कर लूँगी। और ये परी देख रहे हो ना आप, ये परी जहाँ भी मैं जाती हूँ ना वहीं मेरे पीछे पीछे रहती है, एक मिनट भी मेरे से अलग नहीं हो सकती। तो चलो फिर मैं मशीन लगाती हूँ। यहाँ मशीन लग रही है, पहला ही राउंड डाला है अभी, कपड़े डाल दिए हैं और पानी डाल दिया है, सर्फ डाल रही हूँ। तो ये कपड़े धुलते रहेंगे, फिर मैं अपने अंदर के काम करूँगी। अभी ना अंदर भी ऐसे ही फैला पड़ा है, तो मैंने सोचा था पहले मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धुलते रहेंगे, फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो मैं आ गई हूँ अंदर। जैसे कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है अंदर का काम भी, बस थोड़ा सा संगवाई हूँ घर में, और ये नाश्ते के बर्तन हैं कुछ, तो मैं किचन समेट लूँगी। जैसे बर्तन वर्तन है इधर उधर, मैं तो सारे इकट्ठा करके मैंने मांग लूँगी। और ये ना साग भी लाए थे आज, साग भी बनाना है। मैंने इनको बोला था चलो साग शाम को बना दूँगी, कहने लगे नहीं साग अभी बनाना है दोपहर में। मैंने कहा चलो बना देती हूँ, अभी तो फटाफट कर रही हूँ काम। तो इसमें सब्जी के कुकर में ही सब खाली कर लूँगी, फिर मैं बर्तन साफ कर लूँगी। बर्तन साफ कर हो जाएंगे इतने, तब तक मशीन भी बाहर राउंड घूम रहा है, वो भी हो जाएंगे। तो कपड़े संभाल के फिर मैं छत पे चली जाऊंगी। तो अभी तो मैं बर्तन ही धो रही हूँ। बर्तन भी ना बहुत सारे हो रहे थे आज, कुछ तो थोड़े रात के रह गए थे और कुछ नाश्ते के थे, तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। तो मैं इन्हें साफ कर लूँगी। और बच्चे भी आज घर ही है, तो जब बच्चे भी घर ही होते हैं ना तो काम और भी जल्दी ही नहीं होता और लेट होता है। तो यहाँ भी कपड़े भी मेरे एक राउंड धुल चुका है, तो मैंने पानी में कंघाल के और ड्राई करके मैं छत पर डाली आऊँगी। और जो ये आप भैया देख रहे हो ना ये पीछे हैं, तो ये ना वेल्डिंग कर रहे थे, ग्रिल लगी थी ना हमारे यहाँ अभी, तो ये वेल्डिंग कर रहे थे। और मशीन पे भी ना बहुत कूड़ा आ रहा था, उसकी वजह से मुझे बार बार कपड़े कंघानने पड़ रहे थे। बार बार उसका आ रहा था ना कुछ, मिट्टी मिट्टी सी आ रही थी वेल्डिंग कर रहे थे। तो चलो ये कपड़े हो जाएंगे, अब मैं इन्हें छत पर ले जाती हूँ, छत पर फैला दूँगी इन कपड़ों को। अभी एक ही राउंड घुमा है। मैं बोल रही थी परी थोड़े से कपड़े ले कर चल रहे मेरे साथ, तो परी को बोलूँगी देखो जाएगी नहीं जाएगी, मना कर रही थी मैं नहीं जा रही। तो मैं जा रही हूँ छत पे, मैं इनको फैला दूँगी अब, और भी अपने काम है। फिर आज तो बहुत ही काम है, आज तो हालत ख़राब होने वाली है। और यहाँ ना काम चल रहा है बहुत, अभी नया नया बन रहा है ना बाहर से, पहले तो ये नहीं था सब, पहले ना हमारे यहाँ सब खुला था, तो ये ना अभी बना है सब कुछ। तो अभी काम ऐसे ही चल रहा है, पूरी धूल धूल सारे, बहुत ही मिट्टी मिट्टी हो रही है। से कपड़े फैला के मैं आ गई हूँ अंदर, साग साफ कर रही हूँ। साग में है मेथी है, पालक है, और सरसों है, और चने का साग भी है। और हम ना दिल्ली में रहते थे, हमें ना चने का साग मिलता ही नहीं था, और जब से देहरादून में आया है ना तो चने का साग, यहाँ ना किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। दिल्ली में बहुत सी चीज़ें मिलती नहीं थी, जैसे कोई जानता ही नहीं था इन सब चीज़ों को, पर देहरादून में ना चने का साग हुआ, कुछ भी सब्जी हुई सब मिल जाती है। तो मैं सब्जी साफ कर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज दिन है संडे और डेट है 26 दिसंबर। तो मैंने अपना सुबह का सारा काम कर लिया है, नाश्ते का, झाड़ू पोछा, बर्तन, और ये काम करते करते ना मुझे 12:30 बज गए, दोपहर के 12:30 बज गए। और अब दोपहर के खाने की तैयारी, और मैं नहा भी ली हूँ, और आज ना मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं। पता नहीं क्या है हो रहा है, मेरे ना बाल बहुत टूट रहे हैं, पहले ना मेरे बाल बहुत अच्छे थे, अब पता नहीं क्या हो गया सारे बाल झड़ गए। और आज धूप भी नहीं है जो मैं अपने बाल ही सुखा लूँ बाहर, तो आज ना हीटर निकालना पड़ेगा। और आज ना मुझे अपनी चूड़ी भी चेंज करनी है, बहुत दिनों से ना ये 3 ही चूड़ी पड़ी है मेरे हाथों में, याद ही नहीं रहता। हाँ, अपने लिए भी कुछ करना है, तो चलो आज मैं चूड़ी चेंज करूँगी। और बच्चे भी आ गए, बच्चे ना सुबह से बाहर ही घूम रहे हो ना, तो मैंने कुछ नहाना धोना है? नो। ये देखो ये ना सुबह से बाहर ही घूम रहे हैं सुबह से, तो चलो मैं पहले चूड़ी चेंज कर लूँ। हेलो, यू ठीक है? मैं चूड़ी चेंज कर लेती हूँ अपनी। चला दिया। मैं ना ये वाली चूड़ी डाल लेती हूँ, ये वाली, ये रखी है बहुत दिन की, नहीं कोई डाल लेती हूँ। मेरे पास ना रेड ही रेड कलर की चूड़ियां मिलेगी ज्यादा।
क्योंकि मम्मी देती है ना करवे पे, ये सालू देती है वही पे, वही पहनती हूँ मैं। छे छे चूड़ी डाल लेती हूँ। मेरी सॉक्स ढूंढना। मेरी सचिन एकदम मेरे पैर में चली सचिन। अच्छी लग रही है रेड कलर की चूड़ी ना, मेरे पास बहुत मिलेगी। मैं ना यही वाली चूड़ी, कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा कपड़ा पहन लो उतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही हो रहा था कुछ। आज मैंने इतना मोटा सूट पहन लिया, एक तो मैं से कभी ना पहनती नहीं थी, फिर भी मैंने साथ पहन लिया। मैंने कहा ठंड हो रही है और मुझे आज ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है, मैंने सॉक्स भी पहन ली, नहीं तो मैं सॉक्स भी नहीं पहनती कभी। और जितना पहन लो ना, सच बात है उतनी ठंड ज़्यादा लगती है। चावलों के आटे की रोटी ज़्यादा खाई जाएगी हमारे उधर ना, चावलों के आटे, मक्का के नहीं खाते ज़्यादा, चावलों के आटे की रोटी खाते हैं ज़्यादा। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ और दूध भी मेरा गर्म हो गया है, मैं इसको रख दूँगी अब ढक के। दूध भी मैंने अभी गर्म किया था, रात को आता है ना तो मैं ना कच्चा ही रख देती हूँ ऐसे ही, तो मैं सुबह को गर्म करती हूँ। और मैं ना जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि मुझे ना जाना भी है कहीं आज, मुझे ना बहुत देर हो गई थी। और ये सब काम करते करते एक तो सर्दी इतनी हो रही थी, एक तो सर्दी में ना काम करने के भी बस मन नहीं करता, हाथ पैरों के ऐसा लगता है कुछ ना करो। और हम लोग तो काम करते हैं और लेट जाते हैं, और जो बाहर करते हैं काम उनका देखो क्या हाल करता है। जो आदमी लोग बाहर पूरा दिन काम करते हैं और हम तो घर में ही रहते हैं। तो हम लोग घर से निकल लिए हैं, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था, उनको टाइम हो रहा था ट्यूशन का, 3 बजे वो लोग ट्यूशन जाते हैं, तो मैंने उनको ट्यूशन भेज दिया था। और मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, तो बस मैं ऐसे ही हो रही थी आज कुछ भी, एक तो काम में भी मन नहीं लग रहा था और मेरी हालत भी ना ऐसी थी। तो हम लोग थी, ये तो मुझे छोड़ के चले गए थे, तो मैं बैठी रही। तो चलो फिर वीडियो का एंड भी कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी।